एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपर बात करेंगे जो ECS चेजिया T10 का आज के दिन का यहाँ पर पहला मैच होगा जो खेला जाएगा साइप्रस और ग्रीस के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स और ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो मुकाबला स्टार्ट होगा 12:15 पर, सेम ग्राउंड पर मैच है, आर्टिफिशियल विकेट है, 80-110 स्कोर बनता है। 5 मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं, 2 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 2 मैचेस हुए हैं और 1 मैच यहाँ पर नो रिजल्ट रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर टॉस का कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस है नहीं। पहले बात कर लेते हैं साइप्रस की टीम की, बहुत ख़राब खेली है, तीनों के तीनों मुकाबले हारी, मतलब 2 हारी और 1 मैच इनका नो रिजल्ट रहा था। इनकी तरफ से ओपन करेंगे रोमन मजुमदार और सोएब अहमद ने लास्ट मैच में ओपन किया था। तो देखो लास्ट मैच में इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया था। रोमन मजुमदार देखो पहले में 15, दूसरे में बारिश की वजह से बैटिंग आई नहीं थी और तीसरे मैच में 0 रन। बॉलिंग देखो ये बिल्कुल नहीं करवा रहा और बैटिंग अभी तक स्ट्रगल किया है। 2023 में 15 मैच में 184 11 विकेट है। सोएब अहमद है देखो लगातार बॉलिंग करवा रहा है, हालांकि तीनों मैच में 5 ओवर डाल के विकेट कोई नहीं है, लेकिन लगातार बॉलिंग करवा रहा है और साथ के साथ बल्ले अभी से भी बहुमे से 0-6। 2023 में 3 मैच में 41 5 विकेट है। ये पहला ट्रंप आपके लिए बन सकता है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। जेम्स चियालोफोस 0-9 बैटिंग 10 है, इसको आप ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हो। रीज़न मैं आपको दूं तो ये ना UK का क्लब है, यहाँ पर मिडिलसेक्स, उसके लिए ये खेलता है और वहाँ पर इसने 42 मैच में 859 रन किए 22 के एवरेज से, तो इसलिए मैं इसको ग्रैंड लीग में रख सकते हो। प्रताश दियोल विकेट कीपिंग सेक्शन से एकमात्र ऑप्शन है तो आपको रखना ही पड़ेगा, 21 नो बैटिंग 0 है। हरदीप सिंह है, बॉलिंग बिल्कुल नहीं करवा रहा हरदीप सिंह, देखो 16 नो बैटिंग 4 है। वैसे देखो इसका काम बॉलिंग का है, 20 मैच में 20 विकेट है, तो इसको भी आप ग्रैंड लीग में रख सकते हो, स्मॉल लीग का तो पिक रहा नहीं है। लवदीप संधु अच्छा कर रहा है, 2 रन 2 विकेट फिर 0 रन फिर 10 रन 0 विकेट है, ये बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी देगा। लवदीप सिंह का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। रोशन श्रीवर्धना पहले में 4 दूसरे में बैटिंग नहीं आई थी और तीसरे मैच में 15 रन किए प्लस 2 विकेट थे और ये बॉलिंग करवा सकता है। 2023 के अंदर 13 मैच में 121 18 विकेट है। और यहाँ पर बकर अली पहले में 6 रन 0 विकेट फिर 9 बैटिंग फिर 0-1 विकेट है, ये भी लगातार 2-2 ओवर अपने डाल रहा है। विमल खंदूरी पहले में 1 दूसरे में 9 बैटिंग फिर 3 विकेट है और राजविंदर बरार 3 मैच में 5 ओवर डाल के 1 विकेट है। तो इनकी जो टीम है ना, इनकी बैटिंग ज़्यादा वीक है, बॉलिंग तो इनकी फिर भी ठीक ठाक है लेकिन बैटिंग इनकी बहुत ज़्यादा वीक है। अभी के लिए देखो आप पिक कर सकते हो मजुमदार, सोएब अहमद को रख सकते हो अगर बड़ा रिस्क ले रहे हो, इसी के अलावा लवदीप संधू को मैं रखूंगा और नीचे से मैं यहाँ पर विमल कंदूरी और उनके अलावा रोशन श्रीवर्धना को टीम में रखूंगा। आप चाहो तो वकर अली या फिर राजविंदर बरार में से किसी को पिक कर सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले, स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे सोएब अहमद, राजविंदर बरार, डेथ में आएंगे वकर अली, रोशन श्रीवर्धना, विमल कंदूरी। ग्रेस की जो टीम है ये अच्छा खेली है, भले ही पहला मैच हारी, दूसरा मैच नो रिजल्ट और तीसरा मैच जीती है, लेकिन अच्छा खेली है। इन्होंने चेज की टीम को भी हराया है जो कि बड़ी बात है। अब इनकी तरफ से लास्ट मैच में ओपन किया था सिनान खान और सब्बीर अरसलान ने, इस मैच से पहले ना जो 2 मैच हुए थे वहाँ पर ओपन कर रहे थे ये जो है ना जॉर्जिस स्टोगिनस, ये ओपन कर रहे थे लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया था। सिनान खान ये ओपनिंग करेगा प्लस 2 ओवर डालता है, पहले में 15 0 विकेट फिर 11 नो डाउट फिर 16-1 विकेट है, ये बहुत अच्छा CBC का चॉइस है, ध्यान रखना। 2023 के अंदर 6 मैच में 189 4 विकेट है। सब्बीर अरसलान देखो पहले मैच में 1 रन 3 विकेट फिर 9 बॉलिंग, फिर यहाँ पर बारिश की वजह से बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं कराई फिर 0-3 विकेट है, ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा लोग इसी को कैप्टन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिनान खान को कैप्टन ट्राई करने की सलाह दूंगा क्योंकि बैटिंग भी अच्छी करता है। एलेक्स सोलो यहाँ पर 100 लाख से 11 नो बैटिंग 7 कुछ खास रिकॉर्ड में को लगा नहीं। असलम मोहम्मद भाई लास्ट मैच में ना असलम मोहम्मद ने विकेट कीपिंग की थी, वैसे ये है एक ऑलराउंडर लेकिन लास्ट मैच में इसने विकेट कीपिंग की थी। तो जब मैं आपको बैटिंग ऑर्डर शेयर करूँ ना टेलीग्राम चैनल पे तो ये चीज़ आपको ज़रूर देख लेनी कि असलम मोहम्मद एज अ नॉर्मल प्लेयर खेल रहा है या फिर विकेट कीपिंग कर रहा है, क्योंकि विकेट कीपिंग अगर करता है तो फिर बॉलिंग तो करवाएगा नहीं, तो इसलिए फिर लेस इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। 25 रन 0 विकेट 2 नॉट आउट और 30 नॉट आउट है, वैसे बहुत शानदार ऑलराउंडर है ये। जॉर्जिस हैं 11-3-7 ओपन भी किए हैं इसने। अब अमरप्रीत सिंह है 12 नॉट आउट नो बैटिंग 6 नॉट आउट, खास रिकॉर्ड है नहीं। इनके बाद में आएंगे क्रिस्टोडस
बोगडानोस 0.9 वेटिंग है। फिर आएगा सबसे बड़ा टर्म जॉर्जिस ग्लानिस, लोग इसको बहुत कम टीम में रख रहे हैं, मतलब 10% के करीब सिलेक्शन रेट है, लेकिन मैं इसको टीम में रखने की सलाह दूंगा। अब आप बोलोगे भाई क्यों रखना है, दो मैच खेले हैं, 4 ओवर डाले, विकेट लेस है, लेकिन भाई यहाँ पर भी इस बंदे ने 10वां ओवर डाला था, 2 ओवर में मात्र इसने 15 या 16 रन दिए थे और यहाँ पर इसने 2 ओवर में मात्र 4 रन दिए थे, मतलब बॉलिंग बहुत अच्छी करवा रहा है, बस विकेट इसको नहीं मिल रहे। तो मेरे को उम्मीद है कि इस मैच में विकेट ले सकता है और वो भी गुच्छे में 2 या 3 विकेट ले सकता है। 2023 में 6 मैच में 65 विकेट है। यहाँ से आएंगे स्पाइडन वसिलकस, 1 विकेट, 9 बॉलिंग, 2 विकेट है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। फिर आएंगे ऐसे एंड्रिस, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं, असरार अहमद, पहले में 1 विकेट, फिर 9 बॉलिंग, फिर 3 विकेट है। तो यहाँ से देखो मैं टीम में रखने वाला हूँ अभी के लिए सब्बीर अरसलान, सिनान खान, असलम मोहम्मद, इनके अलावा जॉर्जिस ग्लानिस, स्पाइडन वसिलकस और असरार अहमद। बाकी बेंच पर 2 प्लेयर इनमें से कोई भी खेले स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे सिनान खान, असरार अहमद, डेथ में आएंगे सिनान खान, असलम मोहम्मद ने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करवाई थी। तो एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक आपको ज़रूर से कर देना है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन यहाँ पर बना रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम। भाई नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेमो टीम मिलेगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपको सबसे पहला कमेंट मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पर अपन देख लेते हैं डेमो टीम। डेमो टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन से प्रताश दियोल को रखा है क्योंकि यही एकमात्र ऑप्शन है। रोमन मजुमदार को रख रहा हूँ क्योंकि बैटिंग अच्छी कर लेता है, अगर इसकी टीम सेकंड बैटिंग करेगी तो मैं इसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। सब्बीर अरसलान को यहाँ पर रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से असलम मोहम्मद, रोशन श्रीवर्धना, लवदीप संधु, शिनान खान, ये बॉलिंग सेक्शन से रखे हैं, असरार अहमद, ग्लानिस, खंदूरी और वसिलकस, ये मेरा सबसे बड़ा ट्रंप है और कैप्टन मेरा दूसरा ट्रंप है। ये 2 प्लेयर पे मैं रिस्क ले रहा हूँ, बाकी यहाँ पर सब्बीर अरसलान को मैंने विसिक कर दिया है। अभी के लिए टीम ये है, लेकिन फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है। धन्यवाद।